हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपको मैं यश मोटर्स का स्टॉक बताऊंगा जो आपको 1 लाख रुपए के अंदर डाउन पेमेंट पे करके आपको कार परचेस कर सकते हो। तो इस बात के लिए लाइक करो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। और ये कार के अलावा अगर आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मुझे याद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। अभी करंटली मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा मैं एक एक करके फुलफिल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप स्विफ्ट डिज़ायर कार पे वीडियो बनाओ, टोयोटा इनोवा कार पे वीडियो बनाओ। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट मैंने नोट किया हो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो गाइस चले देखते हैं यूज्ड कार का कलेक्शन। दिस वन इज हुंडई i20 1.2 कापा डुअल VT-VT 2017 का मॉडल है ये, 5 स्पीड मैनुअल पेट्रोल। 22,400 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, सिंगल ओनर, और प्राइस कोट करे 6,35,000। ये कार के अलावा अगर आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मुझे याद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जितने भी कार्स के मैं आपको प्राइस बताऊंगा, सभी कार्स के प्राइस नेगोशिएबल हैं। आपको डीलरशिप को कॉल करना है या फिर आप डायरेक्टली डीलरशिप पे विजिट करके उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग नेगोशिएशन कर सकते हो। दिस वन इज़ मारुति सुजुकी वैगनर VXI ऑटोमेटिक 2017 का मॉडल है ये, पेट्रोल। 30,100 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, सिंगल ओनर, और प्राइस कोट करे 3,90,000। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करते हैं कि कंपेयर टू दिल्ली आपके कार का प्राइस ज़्यादा होता है। देखो गाइज, मैं आपको पहले भी वीडियो में बहुत सारे मैंने कहा था, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप दिल्ली को कंपेयर करोगे कोई और अदर स्टेट से तो दिल्ली में कार सस्ती ही मिलती है। चाहे आप न्यू कार लो, यूज्ड कार लो, यूज्ड बाइक लो, दिल्ली में सस्ता ही मिलता है। उसके पीछे का रीज़न आप गूगल कर सकते हो, आपको गूगल में पता चलेगा। दिस वन इज नेक्सा बलिनो 2017 का मॉडल है ये, सिग्मा पेट्रोल मैनुअल। 14,400 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, सिंगल ओनर, और प्राइस कोट करे 5,45,000। तो गाइज यही था यश मोटर्स के बारे में। यश मोटर्स की और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका जो भी सजेशन रहेगा कमेंट सेक्शन में याद से कमेंट करके दिया करो। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, आपका नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करा करो। अगर आपको डीलरशिप को कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है।